हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि दीदी हमें जो है छठा महीना उनका चल रहा है प्रेगनेंसी का और उनको ये जानना है कि छठे महीने में बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड, जो छठे महीने में मेरे साथ सिम्टम्स हुए थे प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपके साथ भी वही चीज़ सेम बैठती है तो कहीं ना कहीं आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। अगर आपको 6th मंथ लग रहा है फ्रेंड्स, या फिर आपको लगने वाला है, या फिर आपको लग चुका है, मतलब कि 7वां महीना लग रहा है, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपको बताएगा कि आपके गर्भ में बेटी है या फिर एक बेटा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक गुजारिश ज़रूर करूंगी कि जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। उससे क्या होगा, हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आएगी और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो गर्भावस्था के 6ठे महीने के अंदर फ्रेंड्स, अगर आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि आपने आमतौर पे देखा होगा फ्रेंड्स कि हमारे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं, बट वो कुछ महीने के बाद जो है ना बाल बिल्कुल झड़ने बंद हो जाते हैं। तो अगर आपका 6th मंथ चल रहा है फ्रेंड्स और बाल जो है झड़ना आपके बंद हो गए हैं, बालों की ग्रोथ जो है आपकी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, और बाल बहुत ज़्यादा लेंथी हो गए हैं और आपके नेल्स भी जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कि टूट नहीं रहे हैं, नेल्स की जो है ना मतलब कि नेल्स की जो पकड़ है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है, तो कहा जाता है कि आपके गर्भ में होने वाला शिशु जो है एक बेबी बॉय हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है फ्रेंड्स, 6th मंथ में आपकी गर्भ में अगर बेबी बॉय होता है तो आपकी जो बेली बटन होती है, जिसको हम नाभि बोलते हैं, वो बाहर को दिखाई देने लग जाती है। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको कई बार दिखाया है कि मेरी बेली बटन भी जो है ना वो बाहर को दिखने लग गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका 6th मंथ चल रहा है और 6th मंथ में आपकी जो है बेली बटन बाहर को दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 70 या 80% जो है अनुमान लग जाना चाहिए कि आपके गर्भ में होने वाला जो बच्चा है वो एक बेटा हो सकता है। फ्रेंड, जो मैं ये लक्षण बता रही हूँ ना, ये हमारे दादी नानी के ज़माने के लक्षण हैं, और जो मेरे सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बेबी बॉय का, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। बट ये बात भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जो भी बात मैं आपको बोलती हूँ वो एकदम से पत्थर की लकीर नहीं हो सकती है, क्योंकि हर एक महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर एक के हार्मोन्स अलग होते हैं, हर एक के साथ सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं, बट तब भी महिला के अंदर जानने की जिज्ञासा होती है कि बेबी बॉय के या बेबी गर्ल के क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके बाद फ्रेंड देखिए, 3rd पॉइंट ये आता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका 6ठा महीना चल रहा है और पेट का निचला हिस्सा, ठीक है, जो नाभि के नीचे का हिस्सा होता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे हलचल महसूस होती है आपको, बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चे की मूवमेंट, आपको कहने का मतलब ये है कि नाभि के ऊपर की साइड को नहीं हो रही है, नाभि के निचले हिस्से में, मतलब कि जिसको पेड़ू बोला जाता है ना, पेड़ू के यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा हलचल महसूस होती है तो आने वाले आपके संतान जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। ये कंडीशन फ्रेंड्स मेरे साथ भी बहुत बारी हुई थी और मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। और फ्रेंड्स देखिए, हाल फिलहाल में कल की ही वीडियो में अगर आप देखोगे ना, तो कल भी एक बेबी बॉय हुआ है। मैंने अभी वो उन मैसेजों को देखा ही है, रिप्लाई वगैरह कुछ नहीं दिया है। मैं जैसे रिप्लाई दूंगी उनके सिम्टम्स आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो उनके सिम्टम्स की भी बनेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो कल की वीडियो के कमेंट में नीचे जाके देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि एक और बेबी बॉय हुआ है। ऐसी कोई सी भी वीडियो नहीं होगी फ्रेंड्स कि जिनके अंदर बेबी बॉय का मेरे पास मैसेज ना आता हो कि हमें जो है दीदी बेबी बॉय हुआ है, जो आपके सिम्टम्स थे। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स कि 6ठे महीने में ना, अगर आपकी मतलब कि कमर बहुत ज़्यादा भारी हो गई है, बहुत ज़्यादा जो है कमर की साइड जो है फैलाव बहुत ज़्यादा आ गया है, आपकी पूरी बॉडी में जो है ना मतलब कि पेट तो आपका निकल ही रहा है और साथ में पूरी बॉडी की शेप भी जो है ना चेंज हो गई है, मतलब कि चर्बी बहुत ज़्यादा गेन हो गई है, तो इस कंडीशन में हमारे बड़े बुज़ुर्ग बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पूरी तरफ से फुटबॉल की तरह नज़र में आ रहे हो ना, तो आने वाली संतान जो है वो एक बेटी होगी। वहीं पे फ्रेंड्स, अगर आपका 6ठा महीना लग रहा है ना और आपको जो है ना देखकर पीछे से अगर कोई आपको देख रहा है, तो आपको कोई बता नहीं पा रहा है कि ये लेडीज़ जो है ना प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है,
सिर्फ आपका जो है पेट ही पेट बढ़ रहा है, कमर के ऊपर कोई भी चर्बी नहीं है, आपके हाथ पैरों पे कोई भी मतलब कि मोटापा नहीं चढ़ा है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो पेट का निचला हिस्सा है, जैसे इस लेडीज़ ने हाथ लगा रखा है नाभि के निचला हिस्सा जो है उभरा हुआ नज़र में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत बारी आप देखना, हाथ लगा के आप देखोगे ना तो आपको महसूस हो जाएगा नाभि से भी ऊपर को दिखाई देता है हल्का हल्का। तो अगर आपको वो उभरा हुआ नज़र में आ रहा है हाथ लगाने पे, जहाँ से कि इस लेडीज़ ने भी हाथ लगा रखा है, इसका भी उभरा हुआ नज़र में आ रहा है, तो अगर आपको भी अपने पेट का निचला हिस्सा जो है उभरा हुआ नज़र में आ रहा है, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली संतान जो है ना वो एक बेबी बॉय हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स ये है कि अगर आपकी कमर में और हिप्स में छठे महीने के बाद जो है फ्रेंड्स, अगर आपके कमर में या फिर हिप्स में आपको पेन महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द जो है छठे महीने के बाद जो है वो बना हुआ है, तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते हैं कि आने वाली उनके संतान जो है ना एक बेबी बॉय हो सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपके छठे महीने के बाद जो है लेफ़्ट वाले पैर की नस के ऊपर नस चढ़ रही है, या फिर आपको जो है ना पैर एकदम से सुन हो जाता है, आपके पैरों में जो है ना क्रैम्प्स आते हैं, तो इस टाइम पे भी फ्रेंड्स देखिए मेरे साथ भी ये कंडीशन हुई थी जब मुझे बेबी बॉय हुआ था, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते थे। मतलब कि रात को अगर आप सो रहे हो और सो के एकदम से आपके पैर की नस के ऊपर नस चढ़ जाती है, आप जो है ना पैर अपना ज़मीन पर भी नहीं रख पाते हो, तो ऐसा इस कंडीशन में मैं आपको बोल सकती हूँ, क्योंकि ये कंडीशन मेरे साथ बिल्कुल सटीक हुई थी और जब मुझे बेबी बॉय हुआ था। क्योंकि जब मैं अपने किसी भी फ्रेंड से या फिर कलिक से बात करती थी कि मेरा लेफ्ट वाला पैर जो है ना बहुत ज़्यादा सोता है प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब सोने का मतलब ये है मेरी भाषा में कि सुन हो जाता है, तो अगर आपका भी सुन हो जाता है, झंझनाहट पैर में रहती है ना, तो ऐठन रहती है पैर के अंदर, तो होने वाली आपकी संतान जो है ना एक बेबी बॉय होगा। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे कलिक्स बोला करते थे मुझे, और मेरी फ्रेंड भी बोला करती थी कि तुमको जो है ना बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यह है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी सूजन वगैरह नहीं आई है, मैंने फ्रेंड्स अपनी कई बार वीडियो में बताया गया है कि अगर आपको सूजन आनी होती है ना, तो पाँचवें या छठे महीने से जो है आना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पाँचवें छठे महीने पे आते आते बच्चे का विकास जो है वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ता रहता है। तो अगर आपको सूजन नहीं आई है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपका छठा महीना भी लग गया है, सातवां भी लग रहा है या फिर आठवां लग रहा है, और अगर आपको कोई भी स्वेलिंग नहीं आई है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फ्रेंड्स आपकी आने वाली संतान जो है ना एक बेबी बॉय हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरी फ्रेंड और मैं दोनों प्रेगनेंसी हमने कंसीव कर रखी थी, मेरी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, इतनी स्वेलिंग थी कि वो काम भी नहीं कर पाती थी, मतलब कि वो बेड रेस्ट पे रहती थी क्योंकि उसे चला फिरा नहीं जाता था, इतनी स्वेलिंग थी पैरों के अंदर। और उनको जो है बेटी हुई थी, और मुझे मेरी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई थी। अगर फ्रेंड्स आपको हो रही है ना सूजन की प्रॉब्लम, तो मैं आपको एक एडवाइस ये दूंगी कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है किचन के अंदर, और पैरों को जो है ना लटका करके नहीं बैठना है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा जब हम सोफ़े पर बैठते हैं या फिर पलंग के ऊपर बैठते हैं तो हमारे पैर जो है ना लटके होते हैं, तो लटकने की वजह से भी, जैसे कि आप अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं बस वगैरह में या फिर ट्रेन वगैरह में, तो भी आपको पैर जो है ना फोल्ड करके ऊपर की साइड अपने पास रखने हैं। जैसे कि ये महिला लेटी हुई ना, पैरों को नीचे नहीं लटकाने, पैरों को पलंग के ऊपर ही रखना है। जितना आपके पैर हवा में लटके हुए रहेंगे, उतनी आपके पैरों में सूजन जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर आपको सूजन आ रही है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा पैर में जो है नस पे नस चल रही है, पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको एक और एडवाइस दूंगी कि रात को जो है ना पैरों की मालिश करके सोइए, सरसों के तेल से मालिश अगर करोगे ना, तो आपके पैरों की जो नसों के अंदर खून का प्रभाव होता है ना, वो अच्छे से होगा, और आपको कोई भी क्रैम्प्स वगैरह नहीं आएंगे। और अगर आप अपने पैरों की मालिश करते हैं, तो इससे आपको बहुत ही गहरी नींद आएगी और बहुत ही अच्छे से आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहेगा। इसके बाद ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको स्वेलिंग आ रही है, तो आपको मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि अपने खाने में जो है ना नमक की थोड़ी सी कमी करिए, क्योंकि अगर आप नमक जो है ज़्यादा लेंगे, तो उससे भी आपको सूजन जो है वो बढ़ सकती है, ठीक है।
तो अगर आपका कोई भी इस वीडियो को लेके कमेंट हो या आपके मन में कोई भी विचार चल रहा हो या किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो ना मुझसे, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।